नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र जो कि आरजेडी के नेता है, बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा सबसे बड़का झूठा पार्टी है, उनको हटाना है और यही हमारा मकसद है कि 2024 तक भाजपा को हटा देना है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि देश की चारों ओर से आवाज आ रही है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, तभी जाके लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, ऐसा कहना है राजद के नेता भाई वीरेंद्र का। इसी के साथ साथ आगे और क्या कुछ कह रहे राजद के नेता, पहले आपको वो सुने। मतलब है कि अब मैं लंबा चौड़ा आदमी हूँ, हमारे भाई देखिए लंबा है। और देखिए कोई तापमान गर्म नहीं है, ये बीजेपी जो झूठा वाली पार्टी है, जो नाथूराम गौडसे के खानदान जो लोग हैं, ये लोग सियासत को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सब समझती है, इसलिए इन लोगों का दाल अब गलने वाला नहीं है। चारों तरफ से आवाज आ रही है कि मोदी गद्दी छोड़ो, जब तक मोदी गद्दी नहीं छोड़ेगा देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश में जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए मोदी को हटना तय है। और बिहार की जनता जब जब अंगड़ाई ली है, देश में परिवर्तन हुआ है। मांग उठाया था, आज क्या है आपका मांग? मैंने कल मांग किया था और सदन में भी इस मामले को मैंने उठाया था कि जो सीबीआई और ईडी का हमेशा छापामारी पूरे देश में विरोधी पक्ष के लोगों पर ही क्यों पड़ता है, उसका कानून बनना चाहिए। कई राज्यों में कानून बन गए हैं, इस राज्य में भी कानून बनना चाहिए कि बिना राज्य सरकार की सहमति से कोई भी ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़े। मैं कल सदन में भी बोला हूँ और आप लोगों ने देश और दुनिया में चलाने का भी काम किया है। तो बात कही है, मांग उठाई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। अरे सवाल है कि बोलने पर तुरंत आश्वासन थोड़ी मिलता, लेकिन मुख्यमंत्री का एकदम हामी भरने जैसा उनका था और मैं आज पत्र दे रहा हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूं। जरूरत पड़ी थी और सदन में और भी कई प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के तहत हम सदन के नेता को और सरकार को ये मांग करेंगे। और हमको लगता है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से इस तरह सा कानून बना है, बंगाल सहित कई राज्यों में, इस राज्य में भी बनेगा, हमें विश्वास है, भरोसा है। भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल है कि पूर्णिया में आप लोगों ने महागठबंधन की बड़ी रैली की, अब ओबीसी का स्वतंत्रता है, अगर ओबीसी आ रहे हैं तो उससे हमको क्या लेना देना है? जनता मालिक होती है और मालिक का जो फैसला होता है हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। लगता है कि राजद को नुकसान होगा क्योंकि एकदम राजद का कहीं दम, जहां कहीं भी वोट है एकदम पक्का है, पुख्ता है और राजद को कोई तोड़ नहीं सकता है, महागठबंधन कोई भड़का नहीं सकता है और महागठबंधन के वोटों को इधर उधर नहीं कर सकता। ओबीसी को कैसे देखते उनके इस दौरे? अरे भाई, हम मैं कुछ उसमें क्या कहूंगा, उनके पार्टी के लोग बोलेंगे। ओबीसी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अरे कौन क्या यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करे, यात्रा करने के लिए किसी को मना ही है? देश है, सबका देश है, सबको स्वतंत्रता है, आजादी है, सब लोग घूमे फिरे। कहते हुए नजर आए हैं आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 2024 तक भाजपा को हटाना है, तभी जाकर लोकतंत्र बच सकता है, संविधान बच सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी हमेशा विपक्ष पर ही क्यों होता है, ये सब केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। आगे और क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, किस तरह से तंज कसते हुए नजर आए हैं भाई वीरेंद्र, वो आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही, देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। जो कुछ भी निकल कर आता है बताते हैं आपको अगली अपडेट में। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।